पश्चिमी मध्य प्रदेश के आदिवासी अंचल झाबुआ जिले की बात करें तो यहाँ पर सीट फंड कंपनियों का बोलबाला चरम पर है। हम बात कर लेते हैं आज जिस तरह से आदिवासी अंचल में सीट फंड कंपनियों ने जितना बिजनेस किया है वो खासकर झाबुआ में किया है, यानी कि बात कर लें कि आदर्श कोऑपरेटिव बैंक की बात करें तो दूसरी बात कर लें सहारा की बात करें संजीवनी और ऐसी कई जो सीट फंड कंपनियाँ हैं जो आदिवासियों के जो पैसे डूबे हैं खासकर यहाँ पर प्रलोभन दिया दिया तरह तरह का, लेकिन वो उसके बाद लेके फरार हो गए। अब बात कर लेते हैं कि जिस तरह से झाबुआ के कलेक्टर और झाबुआ के एसपी नवगात जैसे ही झाबुआ में आए लोगों को उम्मीद थी कि वाकई में मध्य प्रदेश में जो झाबुआ है पिछड़ा इलाका है और यहाँ के चिटफंड कंपनियों में करोड़ों लोगों के पैसे डूबे हुए हैं, उनको उम्मीद थी। लेकिन कलेक्टरों ने और एसपी ने जब उन्होंने कहा कि हम जल्द ही इस पर काम करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी तक इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई और ना ही कोई कड़ी कार्रवाई की गई इन सीट फंड कंपनियों के डायरेक्टरों या बात कर लेते हैं यहाँ के सनशाइन हाईटेक सीट कंपनी की बात करें तो यहाँ के डायरेक्टर हैं उनसे भी किस तरह की कार्रवाई नहीं हो पाई। लेकिन हमारे साथ अभी जेएस के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, उनसे चर्चा कर लेते हैं इस मसले को लेकर क्या है पूरी रणनीति, किस तरह का लोगों को उम्मीद है। सिटफन कंपनियों की बात करें अनिल भाई, हम आपको पहले सबसे पहले बताते हैं कि जेएस के राष्ट्रीय प्रवक्ता है अनिल भाई कटारा, उससे चर्चा करते हैं। अनिल भाई जी देखिए महेश भाई परमार साहब मुकेश भाई, सबसे पहले तो आपके सारे दर्शकों को पूरे आदिवासी समाज को जय आदिवासी जय जोहार। और जैसे अभी आपने जो मुद्दा मुझे बताया है, अभी जो आपने कही है बातें कि चिट फंड कंपनियों की, तो सबसे पहले हम जब संविधान की तरफ देखते हैं तो भारत का संविधान अधिसूचित क्षेत्रों में किसी भी तरह की इस तरह की जो कंपनियां हैं उनकी वैधानिकता शून्य करता है, उनको यहाँ किसी भी तरह का काम करने की अनुमति नहीं देता है, क्योंकि ये एक विशेष क्षेत्र है पूरे देश में। उसके बावजूद भी अगर ये कंपनियां यहाँ आती है तो जिले के जो कलेक्टर हैं उनकी संविधान के प्रति आस्था और उनकी प्रशासनिक क्षमता के ऊपर ये प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि क्या वो इस योग्य नहीं है कि वो भारत के संविधान का सअक्षर पालन कर सकें, या वो इस योग्य नहीं है कि वे अपने अधीनस्थों से अपने क्षेत्र में भारत के संविधान को हूबहू सअक्षर वो लागू करवा सकें। तो पहली बात तो मुझे कलेक्टर की प्रशासनिक क्षमता पे शक है, क्योंकि जिस तरीके से ये सारी चीज़ें विगत कुछ महीनों में सामने निकल के आई है तो ये अपने आप में प्रशासनिक क्षमता पे बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। दूसरी बात, जब हम बड़े पैमाने पे देखते हैं, बड़े परिदृश्य में देखते हैं, तो सहारा है आपका, संजीवनी कोऑपरेटिव सोसाइटी है या आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी है, इनमें जो परिस्थितियां विपरीत हुई, जहां निवेशकों का पैसा फंसा, वहां शासन प्रशासन ने कोशिश करके और उनका पैसा या तो निकल चुका है या निकलने के प्रोसेस में है, यानी ये विश्वास किया जा सकता है कि देर सवेर भी सही लेकिन निवेशकों का पैसा निकल के और आएगा, क्योंकि कार्रवाई हमको दिख रही है। लेकिन कुछ मेरा ये कहना है कि जिस तरह के आप बात कर रहे हैं, सहारा की बात कर ले, कोऑपरेटिव बैंक की बात कर लेते हैं कि दूसरी जो संजीवनी है, लेकिन एक राणापुर के डायरेक्टर हैं, करीबन यहीं के डायरेक्टर हैं साथ के साथ, उस पर कुछ कड़ी एक्शन नहीं हो पा रही। लेकिन जो उसमें जो मैंने आपसे कहा ना कि जिले के कलेक्टर की जो प्रशासनिक क्षमताएं हैं उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगने वाली बात है। अब जैसे जो सनशाइन हाईटेक का जो मसला अभी चल रहा है, इसमें जब हम डायरेक्टरों की जो सूची देखते हैं, जो लिस्ट देखते हैं, तो उसमें सारे डायरेक्टर, सारे जो लोग हैं वो एक पार्टी विशेष से जुड़े हुए हैं और क्षेत्र विशेष से बिलोंग करते हैं। जैसे आपका एक रमेश चंद्र नायक, फिर ये राणापुर से हैं, जो झाबुआ जिले की राणापुर तहसील में इनका निवास स्थान है। दूसरा है आपका मेरावत, एस के मेरावत, ये भी स्थानीय व्यक्ति हैं। और तीसरे हैं आपके परमानंद प्रजापति,
और परमानंद प्रजापति के बारे में जो जानकारी निकल के बाहर आई है, वे अपने छगनलाल प्रजापति के पुत्र हैं और छगनलाल प्रजापति बीजेपी का झाबुआ जिले में एक जाना पहचाना नाम है, बड़े कार्यकर्ता हैं, जो पूर्व में राणापुर नगर परिषद के अध्यक्ष भी रहे हैं कुछ समय के लिए। फिर उसके बाद में हम देखते हैं कि दिनेश नायक है, फिर उस राकेश आर्य, उनका भी नाम डायरेक्टर की लिस्ट में आता है, अपने को मुझे देखने में आया है। तो जब इन सारे चेहरों को आप देखेंगे और इनकी विवेचना करेंगे तो ये बीजेपी से जुड़े हुए लोग हैं, और राकेपी सरकार के बारे में हम ये कह सकते हैं कि सनशाइन हाईटेक को बीजेपी बचा रही है। और यानी आपको बीच में इसलिए रोकना चाहता हूँ, यानी कि आपको पूरा भरोसा है कि सनशाइन से जुड़े सारे डायरेक्टर बीजेपी से बिलोंग, मतलब जुड़े हुए तार लग रहे हैं, कहीं ना कहीं इसी वजह से बीजेपी के डायरेक्टरों पर कार्रवाई नहीं हो रही। खासकर बात कर लें कि आदिवासी अंचल है और ज़्यादातर जो खातेदार है इस सनशाइन हाईटेक में करोड़ों के लोग, आदिवासियों के जो लोग हैं उनके सभी के खाते इन कंपनियों में ज़्यादातर डूबे हैं, उनको लेकर जेएस क्या प्रतिक्रिया देने वाली है? देखिए, आदिवासी समाज का जो भी पैसा है निवेशकों का, ये उनके खून पसीने की कमाई का है। वो पलायन करते हैं, पैसा लाते हैं और यहाँ पे कंपनियाँ उनको बड़े अच्छे हसीन सपने दिखाती है कि आपका पैसा डबल होगा, आपको इतना अच्छा ब्याज मिलेगा, तो व्यक्ति सोचता है कि चलो कुछ बेहतर हो जाए। उस बेहतर की उम्मीद में वो अपने खून पसीने की जो कमाई है वो सनशाइन हाईटेक जैसी कंपनियों को देता है, लेकिन जब पैसा रिटर्न करने की बात आती है तो कहीं ना कहीं जो इनके पीछे पॉलिटिकल सपोर्ट है ये उसका सहारा लेकर के और बचने की कोशिश करते हैं। जैसा सनशाइन हाईटेक के मामले में दिखाई दे रहा है कि पूरी जो डायरेक्टर्स की लॉबी है वो कहीं ना कहीं आरएसएस और बीजेपी से बिलोंग करती है, और अभी प्रदेश में बीजेपी की सरकार है तो आम जनमानस और जयस संगठन यही मान के चल रहा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी का इसको पर्दे के पीछे से मौन समर्थन है। इसी कारण इतना बवाल होने के बावजूद जिले का शासन और प्रशासन बिल्कुल खामोश है, इससे बड़ी वजह और क्या हो सकती है? लेकिन जयस की तरफ से मैं समस्त आदिवासी समाज के वो निवेशक जिन्होंने सनशाइन हाईटेक में निवेश किया है, मैं उन्हें यकीन दिलाता हूं कि हमको किसी भी हद तक जा करके और आंदोलन करना पड़े, लड़ाई लड़ना पड़े, लेकिन हम उनका पैसा जो उनके हक का है ये उनको दिलवाएंगे। आगे की क्या प्लानिंग है जेएस? इस तरह अगर धरना प्रदर्शन से भी नहीं होगा तो अभी फिलहाल क्या करोगे? जैसे कभी कलेक्टर की कोर्ट में विचाराधीन मामला है, सुनवाई चल रही है, लेकिन अभी प्रोसेस हो नहीं पाई है, लेकिन अभी सुनवाई कोर्ट में विचाराधीन मामला है, इसको लेकर क्या कहना है? नहीं देखिए, विचाराधीन कलेक्टर के अगर कोर्ट का बात वाली वो नहीं है मसला, ये मसला सीधा सीधा है, लेकिन इसको एक न्यायालयीन प्रोसेस में ले जा करके और मामले को लंबित किया जाता है। इस संबंध में हम सेबी को भी पत्र लिखेंगे, हम सेबी से भी पत्र व्यवहार करेंगे, क्योंकि ये अधिसूचित क्षेत्र का मामला है और चूंकि एक कंपनी का है और एक रजिस्टर्ड कंपनी का है तो कहीं ना कहीं इसमें सेबी का हस्तक्षेप अनिवार्य है। वो सेबी से भी हम मांग करेंगे कि इससे अलावा भी जो कंपनियां हैं जो ट्राइबल एरिया में या नॉन ट्राइबल एरिया में काम कर रही है, जो संदेहास्पद है, उन सबको सूचीबद्ध करें और उनके विरुद्ध कार्रवाई करें। पहले मेरे को एक चीज़ ये बता दो, लोग हमारे दर्शक ये भी सुनना चाहते हैं कि सेबी क्या होती है, थोड़ा इसके भी थोड़ा विस्तार से बता दें। देखिए, लेन देन से रिलेटेड संबंधित जितनी भी जो कंपनियां होती है वो कहीं ना कहीं सेबी के दिशा निर्देशों को फॉलो करती है, उनका पालन करती है, तो इस तरह की कंपनियों पे नज़र रखने का काम भी सेबी करती है, लेकिन कहीं कहीं कुछ जो नज़रों से बच जाती है तो उनको सेबी जैसी संस्थाओं के सामने ले करके आना हम आम नागरिकों का भी काम है, हम स्थानीय लोगों का भी काम है। तो जब तक हम सेबी को पत्र नहीं लिखेंगे, सेबी को जानकारी नहीं देंगे, तब तक तो कोई बताएगा नहीं, क्योंकि शासन प्रशासन कहीं ना कहीं इन कंपनियों के पीछे और साथ में खड़ा दिखाई दे रहा है। तो एक तटस्थ संस्था के रूप में हम भरोसा कर सकते हैं कि हम सेबी को पत्र लिखे और सेबी उसको यकीनन संज्ञान में लेगा।
दूसरी बात एक मैं ये बताना चाहता हूँ, जिस तरह के आपने कहा कि इनडायरेक्टर है, क्या लगता नहीं है आपको ये डायरेक्टर आदिवासी क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ तक ये गैर आदिवासी है, फिर ये इस तरह की चिटफंड कंपनी यहाँ शुरू कैसे कर सकते हैं? मैंने आपसे शुरू में ही कहा कि ये अधिसूचित क्षेत्र है और यहाँ पे भारत के संविधान में कुछ विशेष प्रावधान दिए हैं। मतलब भारत के संविधान ने अनुच्छेद 19(5)(6) में ये तक कहा है कि अधिसूचित क्षेत्र में समस्त गैर आदिवासी समाज के मौलिक अधिकार निरस्त किए जाते हैं। तो इससे बड़ी और संविधान में क्या बात कही जाए। लेकिन संविधान का सा अक्षर पालन करना ये कलेक्टर की जिम्मेदारी है, उसका दायित्व है। और अगर ये कलेक्टर के होते हुए भी सारी घटनाएं हो रही है, इसका मतलब कलेक्टर की प्रशासनिक क्षमता के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगता है। डायरेक्टरों को क्या लगता है कि ये इस तरह के गैर आदिवासी है? आपने बताया कि ये बीजेपी से रिलेटेड जुड़े हुए हैं, इस पर क्या एक्शन आपकी रहेगी जेएस की? देखिए, जितना भी जो पैसा है, सबसे पहले डायरेक्टरों की जो संपत्तियां हैं उनको शासन सीज करें, और कलेक्टर के पास ये अधिकार होते हैं कि वो अगर चाहे तो किसी भी मसले में किसी भी व्यक्ति की संपत्ति को अधिग्रहित कर सकता है या अधिग्रहण की कार्रवाई शुरू करवा सकता है। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो जो कि मैं फिर कह रहा हूं ना कि जिले के कलेक्टर की प्रशासनिक क्षमता के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रही है ये घटना। लेकिन उनका तो ये कहना है कि 5 कमेटी बिठाई गई है कलेक्टर द्वारा, कि उनमें 5 लोग अपार कलेक्टर हैं, डिप्टी कलेक्टर हैं, उनसे 5 कमेटी हैं इसकी जांच कर रही है, इनका कहना। तो जांच कमेटी ने क्या जांच की है? वो जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करें समय समय पे, अभी तक वो कहाँ पहुँचे हैं? भाई अभी तक आपने जांच कमेटी बना दी, तो कमेटी सिर्फ आपने बनाई है, कमेटी ने किया क्या है आप वो भी तो बताइए ना। आप अगर कमेटी आपने सिर्फ बना दी, उसने किया क्या है ये आपको मालूम ही नहीं, मतलब आप मसले को ठंडे बस्ते में डालना चाहते हो। कोई भी आपसे सवाल पूछेगा, आप सीधा सा जवाब देंगे कि हमने कमेटी बना दी। भाई कमेटी आपने बना दी, लेकिन ये काम हुआ यहाँ क्यों? नहीं होना चाहिए था। इस सवाल का जवाब तो खुद कलेक्टर को देना चाहिए ना, इसके लिए जिम्मेदार तो वही है। दूसरी बात, आपने कहा कि जांच होनी चाहिए, लेकिन अभी ये तीनों सभी 8 के 8 डायरेक्टर फरार है, लेकिन फिलहाल अभी है नहीं, लेकिन वो जवाब ही नहीं दे पा रहे, तो किस तरह ऐसा कैसा हो पाएगा? फरार तो विजय माल्या भी है, कार्रवाई तो उस पर भी हुई ना, तो उसके फरार होने से क्या होता है? वो संपत्ति, अपना खेत, घर, मकान, दुकान, ये सब अपने साथ में उठा के तो नहीं ले गया ना। और फरार है तो वो देश के अंदर ही है, देश से बाहर गया हो तो आप बताइए कि उसने पासपोर्ट यूज किया और देश से बाहर चले गया। तो फरार होना किसी समस्या को रोकने वाली बात नहीं है। आपको समाधान आपके हाथ में, कलेक्टर के हाथ में, जिला प्रशासन के हाथ में है। उसके फरार होने से क्या फर्क पड़ता है भाई? कार्रवाई तो कलेक्टर के हाथ में है ना, स्थानीय प्रशासन कार्रवाई करेगा उस पर। आपका यही कहना है कि कलेक्टर कार्रवाई ही कराए। दूसरी मांग क्या है लोगों को, जिस तरह के जो पैसे, सारे आदिवासियों के लोग पैसे जुड़े हुए हैं इससे मसला, क्योंकि फंडिंग बड़ी इस तरह से हुई है, और चिटफंड कंपनियों की बात करें तो बहुत सारी कंपनियों के पैसे दे हैं, लेकिन चिटफंड कंपनी भी ऐसा धीरे गति पकड़ रही है, ऐसा क्यों? देखिए, मैं सबसे पहले तो आदिवासी समाज या वो समाज जो इस तरह की कंपनियों के बहकावे में आकर के और अपनी संपत्ति दे देता है, अपना धन दे देता है, तो मैं सबसे पहले तो उनसे ये निवेदन करूँगा कि ऐसी कोई भी कंपनी अगर आती है तो आप सावधानी रखें, आप उसमें किसी भी तरह का निवेश करने से बचें, और उसका कोई भी ऑफिस हो, उसका कोई कार्यकर्ता हो, उसका कोई प्लानिंग हो, तो वो स्थानीय थाने में या तहसील कार्यालय में या SDM ऑफिस में उस संबंध में जा करके और शिकायत दर्ज करें। आप सामान्य रूप से भी जा करके और शिकायत दर्ज करेंगे तो शासन प्रशासन में जो भी व्यक्ति बैठा है वो आपकी समस्या को सुनेगा। दूसरी चीज, जो मल्टी लेवल नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़ी हुई कई कंपनियां आती हैं कि आप ₹1,000 इन्वेस्ट, अभी भी फिलहाल झाबुआ की बात करें और आदि क्षेत्रों के प्रोटेक्ट के नाम से भी बहुत सारी कंपनियां अभी आ रही है, लेकिन उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही। देखिए, मैं वही कह रहा हूँ ना कि जिले का आदिवासी समाज मल्टी लेवल नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पे जितनी भी कंपनियाँ आती है उनसे दूर रहे,
उनके ऊपर भरोसा ना करें। वो आपको 5 रुपए की चीज़ देती है, उसका 500 रुपए का रेट बताती है और आपको बड़े खूबसूरत हसीन सपने दिखाती है और फिर 6 महीना साल भर 2 साल बाद वही कंपनी गायब हो जाती है। तो इस तरीके की जो घटनाएं हैं ये लंबे समय से हो रही है, उसके बावजूद भी अगर हम नहीं जागते हैं तो कहीं ना कहीं ये हमारी जन जागृति की कमी ही कहा जाएगा कि हम उस चीज़ को धोखा खाने के बाद भी सुधरने को तैयार नहीं है। तो मल्टी लेवल नेटवर्क मार्केटिंग या दूसरी जो इस तरह की कंपनियां आती है जैसे सनशाइन हाईटेक, इस तरह की जितनी भी जो कंपनियां आ रही है उनसे दूर रहो। दुनिया में ऐसा कोई तरीका नहीं है जो समय से पहले आपके धन को दुगना करके दे दें, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। ये बात आम जनता को समझनी होगी। तो ये थे हमारे साथ जेएस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनिल भाई कटारा। उन्होंने बताया कि जिस तरह से सनशाइन हाईटेक जो कंपनी है और राणापुर के जो डायरेक्टर हैं आज क्षेत्र के, तो जिस तरह के आदिवासियों के जो पैसे डूबे हैं उनको दिलाने के लिए प्रशासन पूरा सहयोग करे। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर सीबी को हम पत्र लिखकर इसकी जांच करवाएंगे, जिसके बाद उन्होंने कहा जितने भी निवेशकों ने जितने पैसे दिए हैं उनके सबको दिलाने में जेएस पूरा साथ देगी। इस तरह की खबरों को हमारे साथ देखने के लिए हमारे चैनल को SMH न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और तुम्हारे कमेंट बॉक्स में या कुछ लिखना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में हमारे साथ जवाब जरूर कीजिए। फिर हम मिलेंगे आपकी ऐसी ही रोचक कोई खबर लेकर। नमस्कार।